साथियों, जिस लोगों ने देश पर दशकों तक राज किया उनके शासन के मूल में ही बेईमानी रही, और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो तो कम ही पड़ता है। 2014 से पहले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। बजट की जब भी बात आती थी तो घाटे का नुकसान का ही बहाना होता था। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही कर देता है, वही सिस्टम है, लेकिन सरकार बदली है, नियत बदली है तो परिणाम भी बदले दिख रहे हैं। पहले करप्शन और कालाबाजारी खबरों से अखबार भरे रहते थे, अब नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण की खबरें अखबारों में छाई रहती है। बीते 9 वर्षों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय रेल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ियों के लिए विशेष पटरियों की योजना 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बीच पाया था, 1 किलोमीटर भी नहीं। पिछले 9 वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, इस पर मालगाड़ियां चलना शुरू कर चुकी है। आज भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू सोननगर खंड का लोकार्पण किया गया है। इसे मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी, पूर्वांचल में, पूरी भारत में रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। साथियों, जब नीयत साफ होती है तो कैसे काम होता है इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। देश में तेज रफ्तार ट्रेनें चले, देश हमेशा ये चाहता था। इसके लिए पहली बार देश में करीब करीब 50 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई। लेकिन इतने साल में भी ये राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 16 रूटों में ही चल पाई है। 50 साल हो गए, सिर्फ 16 रूट। इसी तरह 30-35 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस भी चल पड़ी, लेकिन शताब्दी ट्रेन भी 30-35 साल में अब तक 19 रूटों पर ही सेवा दे रही है। इन ट्रेनों से अलग एक वंदे भारत एक्सप्रेस है, और बनारस के पास तो देश की पहली वंदे भारत का खिताब है। 4 साल में ये ट्रेन 25 रूट पर चलनी शुरू हो चुकी है। आज भी गोरखपुर से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। एक ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए चली है और दूसरी अहमदाबाद से जोधपुर रूट पर चली है। देश के मध्यम वर्ग में ये वंदे भारत इतनी सुपरहिट हो गई है कि कोने कोने से इसके लिए डिमांड आ रही है। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के कोने कोने को कनेक्ट करेगी।